हेलो एवरीवन, किचन एंड टुक टाक की तरफ से प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। आज क्विक रेसिपी में है सावन स्पेशल राजस्थानी मगध चूरमा। ये आटे से बनाया हुआ है और ये अगर सावन में, सावन के महीने में शिव जी को प्रसाद में नहीं चढ़ाए तो क्या चढ़ाए, और अगर प्रसाद भी नहीं है तो ब्रेकफास्ट में चेंज के लिए ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मस्ट ट्राई रेसिपी है, बहुत ही इजी और हेल्दी। और DIY टुक टक सेक्शन में आज है ये पीतल का बर्तन, पूजा का सामान आसानी से कैसे साफ हो जाए ये एक ट्रिक के साथ। यहाँ पे दोस्तों मैंने एक कप ले लिया है गेहूं के आटा, जो रोटी खाते हैं ना, जो रोटी बनाते हैं आटा, वही आटा है। और यहाँ पे 1.5 चम्मच लिया है घी, 1.5 से 2 चम्मच, इससे ज़्यादा घी हमें नहीं चाहिए। और आटा और घी अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। घी की मात्रा बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं चाहिए। ये आराम से हम आसानी से इस रेसिपी को ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं। ये जब अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो हम इसमें डालेंगे रूम टेम्परेचर में 1.5 से 2 चम्मच दूध, और दूध भी ऐसे फैला के मिलाएंगे और अच्छी तरह से आटे के साथ मल लेंगे। मतलब घी, आटा और दूध अच्छी तरह से हमारा मिक्स हो जाने चाहिए एकदम मिही। और इसके बाद 5 मिनट मिक्स करने के बाद हम ऐसे थप थप करके इसको रेस्ट के लिए रखेंगे 10 से 15 मिनट। इस तरह से रखेंगे तो आटा बिल्कुल सेट हो जाएगा, और 10 से 15 मिनट ऐसे हम ढक के रखेंगे। 15 मिनट बाद ये आटा हम देखेंगे बिल्कुल अच्छी तरह से सेट हो गया है, और ये हमारा चूरमे का आटा बिल्कुल तैयार हो गया है। अभी हम एक छन्नी लेंगे और अच्छी तरह से इस आटे को हम छान लेंगे, क्योंकि दूध और घी के वजह से छोटे छोटे गुठली बन जाता है, और ऐसे गुठली नहीं चाहिए हमें। या कई बार आटे में भी कोई हस्क वगैरह होता है तो ये हमें छानना है, तो जहाँ तक हो सके इस तरह से हम छान के ये हमारा निकला है, इसको हम मिक्स नहीं करेंगे। अभी एक पैन में 1 चम्मच मैंने घी डाल दिया है, और पसंदीदा ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। मैंने आमंड डाला है और कुछ काजू के फ्लेक्स डाले हैं, और ये है कुछ ड्राई कोकोनट के फ्लेक्स, लंबे लंबे टुकड़े में हमने काट लिया है। और इसको 1 मिनट ही हमें घी में रोस्ट करना है। 1 मिनट बाद ये किशमिश डाल देंगे और गैस के फ्लेम बंद कर देंगे, क्योंकि किशमिश बहुत ज़्यादा भुने तो अच्छा नहीं लगता। बस टोटल हमें 1.5 मिनट का टाइम चाहिए, और ये हमारा हो गया है। अभी हम ड्राई फ्रूट्स निकाल लेंगे, और उसी पैन में हम 1 से 1.5 चम्मच घी डालेंगे, इससे ज़्यादा हमें नहीं चाहिए। और अभी इसमें वही आटा हम डाल देंगे। फ्लेम बिल्कुल स्लो रखेंगे, धीमी फ्लेम में हमें धीरे धीरे इस आटे को फ्राई करना है, सेकना है। कलर धीरे धीरे ऐसे चेंज होता जाएगा, फ्लेम बिल्कुल धीमी रखना है, नहीं तो आटा जल सकता है। बहुत अच्छा एक स्मेल निकलेगा आटे का, बहुत अच्छा खुशबू, और गुठली ना हो इस तरह से हम ड्राई करते जाएंगे। और ये कलर बिल्कुल आ गया है, अभी हम फ्लेम बंद कर देंगे, फिर भी हम हिलाते रहेंगे। और थोड़ा सा हिला के ठंडा होने के बाद हम जो जहाँ पे ड्राई फ्रूट्स रखा था उसी में हम आटे को मिक्स कर लेंगे। आटा और ड्राई फ्रूट अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स कर लेंगे। अभी कुछ ये रॉ कोकोनट का थोड़ा सा बुरादा है हम इसमें डालेंगे, ये ऑप्शनल है, लेकिन अच्छा लगता है थोड़ा सा कच्चा नारियल इसमें आ जाए तो। और अभी इसको ठंडा होने के लिए वेट करेंगे। 5 मिनट में ये ठंडा हो गया, छूने लायक हो गया। अभी हम इसमें मिक्स कर देंगे बूरा, ये शुगर का जो बुरादा होता है ना वही है, ग्रॉसरी शॉप में आपको आराम से मिल जाएगा। ये आप चीनी पीस के भी डाल सकते हो, लेकिन ओरिजिनली इसमें बुरादा ही डाला जाता है। लास्ट दिवाली में बुरा कैसे बनाया जाता है उसका रेसिपी मैंने शेयर किया था, होममेड रेसिपी है, चीनी से बुरा बनाया था, आप मेरे चैनल में जाके देख लीजिएगा। और ये बुरा आप आराम से ही घर पे बना सकते हैं। और ये बुरा अभी हम आटे के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
3/4 कप ही बूरा लिया है हमने। आप चाहो तो आधा कप ले सकते हो या 1 कप पूरा ला सकते हो, लेकिन मुझे यही रेशियो परफेक्ट लगा। और लीजिए, आपका चूरमा बिल्कुल तैयार है। ये मगज चूरमा आप आराम से ब्रेकफास्ट में चेंज के लिए बना के खा सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स के साथ भरे हुए और हेल्दी नाश्ता है एकदम। और सावन में शिव जी को प्रसाद भी बना के दे सकते हैं। जन्माष्टमी में भी इस मगज चूरमा को बनाया जाता है। ले जा सकते हो, ट्रैवलिंग में बहुत अच्छा काम आएगा। और घर पे आप स्टोर कर सकते हो इसको 1 महीना पूरा। कैसा लगा मगज चूरमा, ज़रूर कमेंट में बताइएगा। चलिए मेरा टुक टक DIY सेक्शन में। दोस्तों, इस टाइप का पूजा का बर्तन बोलो या हमें होम डेकोरेशन का कोई भी आइटम हो, तांबे का पीतल का बनता ही है, तांबे का पीतल का रहता ही है हमारे पास। और ये कुछ दिन बाद ऐसे काला पड़ जाता है। मेरा रेगुलर पूजा का बर्तन ही ऐसे काला पड़ जाता है, हर हफ्ता साफ करना पड़ता है। लेकिन जिनको मेरे जैसे स्पॉन्डिलोसिस का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, हाथ में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ज़्यादा घिस नहीं सकते, तो इनके लिए ये आज एक ट्रिक्स बता रही हूँ। अदरवाइज़ तो आप इमली डाल के, नींबू डाल के अच्छी तरह से साफ़ कर सकते हो, लेकिन उसमें काफ़ी घिसना पड़ता है। ये मेरा प्रोसेस से मैं साफ़ करती हूँ, बहुत ज़्यादा मुझे घिसना नहीं पड़ता है, क्योंकि हाथ में दर्द हो तो बहुत मुश्किल है। और ये है सीक्रेट पेस्ट। इसे पेस्ट में लगा के बिल्कुल मेरे बर्तन चमचमा चमकदार बना दूंगी ये मैजिक पेस्ट के साथ। अच्छी तरह से इस पेस्ट को लेके हम सारे बर्तन में लगा लेंगे। ऐसा पेस्ट बनाई हूँ जो बहुत ज़्यादा लिक्विड भी ना हो और बहुत ज़्यादा हार्ड भी ना हो। अच्छी तरह से ऐसे लेप की तरह बर्तन में लगा दूंगी और ऐसा लगाऊंगी ताकि बिल्कुल गैप ना हो। सारे बर्तन में ऐसे में लगा लूंगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा घिस नहीं पाती हूँ, तो ये प्रोसेस मेरे मुझे बहुत हेल्पफुल लगा, तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करूँ। जितने भी बर्तन थे उसको काफ़ी एक मोटा लेयर मैंने लगा लिया है, काफ़ी थिक लेयर लगा लिया है जितने सारे बर्तन थे उसमें। आगे मैं बताती हूँ आपको ये पेस्ट मैंने किस चीज़ से बनाई हूँ। अब इस तरह से लगा के मैं 10 मिनट रख लूँगी। 5 मिनट बाद ही देखिए ये साफ़ होना शुरू हो गया है। ये देखिए, घिसा नहीं, कुछ नहीं, कितना सुंदर गोल्डन टाइप के कलर निकल के आ रहा है। अभी भी 5-7 मिनट वेट करूँगी मैं, और पानी से धो के ही मेरा हो जाएगा। लेकिन ये काफ़ी दाग हो गया है, इसलिए मैं इस तरह से इस बर्तन को लिक्विड डिश वॉशर से मैं इस तरह धो के बिल्कुल अच्छी तरह से सुखा लूँगी ऐसे कपड़े के मदद से। ये ज़रूरी स्टेप है, नहीं तो पानी का छींटा उसके ऊपर आ जाएगा, इसलिए सुखाना बहुत ज़रूरी है। देखिए तो कितना चमकदार मेरा ये लोटा बन गया है। या घर का कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का सामान हो या हमारा डेकोरेटिव आइटम हो, ये पेस्ट लगा के हम बिल्कुल चमचमाते हमारे बर्तन बना सकते हैं। कितना बढ़िया लग रहा है, हमारा पूजा घर में भी अच्छा लगेगा बहुत। सावन के महीने में पूजा के बर्तन बहुत चाहिए होता है, तो ये मेरा आसान तरीका है। होप आपको भी अच्छा लगेगा। इसके लिए 1 लाइक तो बनता है दोस्तों। चलिए अभी देख लेते हैं हमने पेस्ट कैसे बनाया है। ये मैंने ले लिया है थोड़ा सा गेहूं के आटा। जितना बर्तन है उस हिसाब से आप आटा लेंगे। और इतने आटे में जैसे 4 चम्मच आटा है, तो 1 चम्मच मैंने नमक डाला है, सिंपल नमक। और इसके बाद ये लिया है मैंने विनीगर। और अभी विनीगर डाल के इसको एक पेस्ट की तरह बनाऊंगी। 1 बॉटल विनीगर खरीद के ले आइए दोस्तों। बहुत सारे रेसिपीज़ भी हमारा विनीगर से बनता है, बहुत हेल्पफुल है। और ऐसे और इस तरह से हमारा पेस्ट बन जाएगा। और इतने पेस्ट में मैं इतने सारे बर्तन एकदम चमचमाते हुए बना लूँगी। हरे कृष्णा।